तरह की कैटेगरी हैं यूट्यूब पर जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेट करना होता है, या तो लेट्स लर्न को या मेरे बारे में कुछ भी। अब ये इनकी जेलेसी मान लो या दुख मान लो, भगवान जाने क्या है ना। मेरा काम सिंपल है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करती हूँ। यहाँ यूट्यूब पे भी डेली हमारी क्लासेस चलती हैं और करियर के साथ एक एसोसिएशन है, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक लोग हैं जो डायरेक्ट बुरा भला बोलेंगे बेवजह। इनकी उम्र हो चुकी है 10 10 15 15 साल, मतलब एज में बड़े हैं, 35 35 साल के लोग हैं जिनको सिर्फ मैं ही मिलती हूँ टारगेट करने के लिए, जैसे पता नहीं इनसे कुछ लेके खाया हुआ हो, ठीक। तो डायरेक्ट टारगेट करने वाले लोग ये फिर भी ठीक हैं, क्योंकि ये बुरा भला बोल के डायरेक्टली जो भी इनको मन करता है वो बोल के और निकल जाते हैं, ठीक है। आपको भी समझ में आ जाता है, छोड़ना है देखना है जो भी है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो मीठा बोल करके टारगेट करते हैं, जो दिखाएंगे जैसे बहुत मेरे अपने हैं और भले हैं, है ना। तो ये बहुत ही सॉफ्टली टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों से भी बचिए। और आप खुद समझदार हैं, इसीलिए मैं ये सब बोलती नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि कोई भी अगर बात है आप समझ सकते हैं उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तीसरी कैटेगरी और भयावह है, जो सिर्फ व्यूज के लिए वीडियोस बनाते हैं, जो जिनको कंटेंट चाहिए कि इन दोनों में से कोई कुछ बोले और हम हिमांशी लिखें या लेट्स लर्न लिखें और एक वीडियो बना दें, और फलाने सर वर्सेस फलाना, फलाने सर वर्सेस हिमांशी। अब उससे क्या होता है, फलाने सर को देखने कोई आता हो ना आता हो, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि मेरे नाम पे वो वीडियो चल जाती है और वो चीज और हेट कन्वर्ट होती रहती है, जिसका कोई पॉइंट नहीं है, है ना। मेरा उद्देश्य होता ही नहीं है। अब ये इतने महान लोग हैं, अगर इनके बारे में बात करने लग जाऊं तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, बट ये मेरा काम नहीं है, ये मैंने पहले भी चूज नहीं किया था। मेरा काम यही है कि मेहनत से इंसान आगे बढ़े, और वैसे ही हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इसलिए मैं किसी के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि किसी के बारे में बात करके हम लोग कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं। आज आप लोगों से जुड़ करके, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, और मैंने कुछ सीख के आपसे और आप मुझसे सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी तीनों ही तरीके की चीजों को कोशिश करें कि इग्नोर करें या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, है ना। सिंपल यही है बस। मैं इग्नोर करती हूं बोलना, क्योंकि मेरे बोलने से ऐसे ही लोगों का फायदा है और कुछ भी नहीं है, है ना। और कोई पॉइंट भी नहीं है इनके लिए, तो ये काम नहीं हो रहा ना। आप लोगों के लिए ये काम हो रहा है कि जिसमें डिस्कशन कर पाए या जो भी है वो मेरे और आपके बीच में है। तीसरा उसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कोई अपने आप कॉम्पिटिशन मानता रहे तो मानता रहे, मेरे लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। चलिए फिर।